2 दिसंबर 2021 को प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आती हैं और प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए, प्रतिज्ञा रैली के जरिए लोगों को संबोधित करती हैं, जनसैलाब को संबोधित करते हैं। साथ ही उन्होंने एक मंच से बयान दिया कि सपा का नारा है कि आ रहे हैं अखिलेश। अखिलेश तब कहाँ थे जब CAA और NRC के कानून बन रहे थे, लखीमपुर की घटना हो रही थी, तो इसको लेकर क्या कहा प्रियंका गांधी ने, पहले आप वो सुन लीजिए। आपने समाजवादी का नारा देखा है, नया नारा सुना है, आ रहे हैं अखिलेश है? मैं पूछना चाहती हूँ, CAA और NRC के कानून बने, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बिजनौर गई, बिजनौर में एक 19 साल का लड़का अनस दूध बेचता था, उसकी निर्मम हत्या की गई। दूसरे घर में गई, एक लड़का सुलेमान मस्जिद के बाहर खड़ा था, पुलिस ने गोली मारी, उसकी हत्या कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अखिलेश जी आए? उम्भा में नरसिंहार हुआ, 13 आदिवासियों की मौत हुई, उनको पीटा गया लाठियों से, उनकी उनको गोली मारी गई, क्या अखिलेश जी आए? उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया, क्या अखिलेश जी आए? क्योंकि माहौल चुनाव का है, उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत नज़दीक हैं और किसी भी वक्त चुनावी बुलबुल बच सकता है। क्योंकि मामला मुरादाबाद का था, प्रियंका गांधी मुरादाबाद में थी, तो जवाब भी जिलाध्यक्ष को ही देना था। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष TP यादव ने इसका जवाब भी दिया है। देश में जब भी कोई ऐसा मुद्दा आया है जिससे देश की जनता को परेशानी हुई है, उन सारे मुद्दों में, सारे मसलों में अखिलेश यादव साहब और उनकी समाजवादी पार्टी देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ हमेशा तत्परता से और मजबूती से खड़ी रही। तो प्रियंका गांधी का मतलब कहने का क्या मतलब समझे, चुनाव का मामला है या निशाना किस पर है? अब ये लोग हताश और निराश हैं, अभी तो एक बार तो इनकी रैली फ्लॉप हुई थी, आए नहीं थे, अभी तो इनकी रैली फ्लॉप हुई थी, आए हैं, तो ये हताश निराश तो ये है। हताश में आदमी क्या बयान देता, उसका जवाब दे हम थोड़ी होंगे। प्रियंका गांधी का कहना ये भी है कि अब चुनाव आ रहे हैं तो आ रहे हैं, वैसे तो अपनी जनता परेशान थी तब चुनाव आ रहे हैं तो प्रियंका गांधी आ रही हैं, वरना प्रियंका गांधी प्रदेश और देश में उनकी पार्टी उनके नेता दिखाई भी नहीं देते थे, और खासतौर से इस मुरादाबाद मंडल में सब समाजवादी पार्टी के अलावा कोई पार्टी दिखाई नहीं दी। जब कोरोना काल था तो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और मुरादाबाद मंडल में बहुत सक्रिय था और लोगों की बहुत सेवा की है। आज देश में, प्रदेश में अखिलेश यादव साहब की मांग है और पूरा हिंदुस्तान मान चुका है कि अखिलेश यादव साहब से बड़ा नेता इस देश में नहीं है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हो रही है, आ रही है, अखिलेश यादव साहब दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब जो भी हो, नतीजा कुछ भी निकले ये तो आने वाला वक्त बताएगा। INN न्यूज़ के लिए मैं शारिफ खान।